যার কথা ভেবে যে আমার জীবন মর কেন সে ভালোবে আজে तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर भी जिस तरह स्टेटस को देखा है बंगाली ट्रेंडिंग सॉन्ग में, तो इस तरह न्यू स्टाइल का स्टेटस अभी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत सिंपल है इस तरह स्टेटस को बनाना। तो आप भी इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके रखें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है कमेंट भी कर दीजिए, और वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिन यूज करने वाला हूँ सभी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ वो सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना, तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया, तो आप भी एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन माने का यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आ जाना, और जो सॉन्ग बीट मार्क है खाली कि प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना होगा, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये सॉन्ग बीट मार्क को डाउनलोड कर लेना। सॉन्ग बीट मार्क को डाउनलोड करने के बाद इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद देखो इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह। तो आपको सबसे पहले क्या करना है देखो, ध्यान से देखना। तो देखो कुछ इस तरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देखो कुछ इस तरह यहाँ पर कुछ ग्रुप लेयर और लिरिक्स लेयर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देखो कुछ इस तरह। तो यहाँ पर जो लेयर है ये लेयर को कुछ भी छिड़के नहीं करना, यहाँ पर जितने सारे लेयर है देखो यहाँ पर मैं सब कुछ तैयार करके रखा हूँ पहले से, आपको कुछ भी छिड़के नहीं यहाँ पर नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो को रिफ्रेश कर लेना, देखो रिफ्रेश करके आपको फोटो ऐड करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो बैकग्राउंड में फोटो है ये फोटो को रिफ्रेश करना है, तो बैकग्राउंड में ये फोटो को रिफ्रेश करने के लिए कलर एंड फिल ऑप्शन में आना है, यहाँ पर जो स्टार ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। उसके बाद देखो जिस फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा, तो देखो ये फोटो को मैं सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, तो फोटो देखो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फोटो को ऐड करने के बाद यहाँ पर जो ग्रुप है ये ग्रुप में भी सेम फोटो ऐड करना होगा, यहाँ पर जो बैकग्राउंड में फोटो ऐड किया तो सेम फोटो यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा ग्रुप में। तो ग्रुप एंड मार्क्स लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना, और यहाँ पर जो फोटो है फोटो लेयर को टच करना, कलर एंड फिल ऑप्शन में आ जाना, स्टार ऑप्शन में आ जाना, और यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो को सिलेक्ट कर लेना और इधर से ऐड कर लेना। तो ऐड करने के बाद मूव वाला ऑप्शन में जाना, और ऐसे करके फोटो को एडिट भी कर सकते हो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, और एक बार बैक कर देना। बैक करने के बाद एक बार चेक कर लेना ग्रुप लेयर सही है कि नहीं, तो देख सकते हो यहाँ पर जो ग्रुप लेयर है वो डैमेज हो चुका है, ख़राब हो गया, तो इसको सही करेंगे। तो यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आ जाना और ये वाला ऑप्शन को टच कर देना, तो ठीक हो जाएगा देखो कुछ इस तरह। तो अब क्या करना पड़ेगा देखो, यहाँ पर जो लिरिक्स है ये लिरिक्स आपको सेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो इफेक्ट है व्हाइट कलर का जो बॉर्डर है इसमें देखो सेट नहीं हो रहा है, तो कैसे यहाँ पर मैच करना है देखो, मैचिंग करना है। देखो यहाँ पर जो लिरिक्स लेयर है ये लिरिक्स लेयर को टच करना, यहाँ पर जो डबल लेयर ऑप्शन यहाँ पर टच करना पड़ेगा, और इधर से कॉपी लेयर कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर जो ग्रुप नंबर वन है ये ग्रुप लेयर को टच करना है, एडिट ग्रुप में आ जाना, और यहाँ पर आने के बाद ग्रुप के अंदर आने के बाद यहाँ पर लिरिक्स लेयर को पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के बाद देखो कुछ इस तरह यहाँ पर लिरिक्स देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह। और यहाँ पर कुछ भी छिड़काई नहीं करना है, यहाँ पर जो इमोजी है इमोजी जो फोंट है ये फोंट और ये बंगाली फोंट दोनों मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो फर्स्ट जो लिरिक्स है वो देख सकते हो यहाँ पर मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ, यहाँ पर कुछ भी छिड़काई नहीं करना है, ये ग्रुप से बाहर हो जाना। तो जैसे बाहर आओगे यहाँ पर जो लिरिक्स है सॉरी यहाँ पर जो ग्रुप है ये ग्रुप खराब हो जाएगा, तो ग्रुप को सही करने के लिए ग्रुप लेयर को टच करना, अगला जो बीट है अगला बीट में जाना, ये जो ऑप्शन है पर टच कर देना तो सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो लिरिक्स है ये लिरिक्स को ऐसे करके डिलीट कर देना, देख सकते हो ऐसे करके डिलीट कर देना। तो मैं डिलीट अभी नहीं करूँगा, इधर से मैं बंद कर देता हूँ। तो अब क्या करना पड़ेगा देखो, यहाँ पर इमोजी वगैरह जो कुछ
यहाँ पर लेयर है, ये लेयर को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, ऐसा करके सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद देखो टोटल चार लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इधर से कॉपी फोर लेयर का लेना है। कॉपी फोर लेयर करने के बाद दोस्तों अगला जो बीट है ये बीट में आना है और यहाँ पर फोर लेयर को पेस्ट करना है। तो फोर लेयर को पेस्ट करने के बाद आगे आ जाना। आगे आने के बाद देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट तक आया नहीं, ये बीट तक लाना पड़ेगा। तो ये बीट तक लाने के लिए ये ग्रुप लेयर को टच करना, टाइमर ऑप्शन को टच करना, ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। फिर से देखो लिरिक्स लेयर को टच, सॉरी इमोजी लेयर को टच करना, टाइमर ऑप्शन को टच करना, ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। तो ऐसे करके यहाँ पर चारों लेयर को ये बीट तक ले आना, कुछ इस तरह करके देख सकते हो। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो बीट है ये बीट में फोर लेयर को पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो बीट है ये बीट के बराबर कर लेना, कुछ इस तरह करके जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके कर लेना। ऐसे करके कर लेना और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से चेंज कर लेना फ़ोटो को। तो फोटो को चेंज करने के लिए यहाँ पर जो फोटो है फोटो लेयर को टच करना है, एडिट सॉरी यहाँ पर कलर एंड फिल ऑप्शन में आना है, स्टार ऑप्शन को टच करना है और इधर से जो भी फ़ोटो ऐड करना है चाहते हो फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं ये फोटो को ऐड कर लिया हूँ, सिलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ पर प्लस ऑप्शन को टच करके ऐड कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर जो ग्रुप एंड मार्क्स लेयर है ये लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना और यहाँ पर फिर से सेम फोटो दोबारा ऐड कर लेना, सेम प्रोसेस से जैसे मैं दिखाया वैसे करके देखो ऐसे करके। उसके बाद ये ग्रुप से बाहर हो जाना। तो ग्रुप से बाहर आने के बाद एक बार चेक कर लेना ग्रुप लेयर सही है कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ सही है, कुछ भी छेड़ यहाँ पर ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो लिरिक्स है वो एडिट करेंगे, तो लिरिक्स एडिट करने के लिए सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना है। उसके बाद ग्रुप लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना और यहाँ पर जो लिरिक्स है ये लिरिक्स लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स्ट में आ जाना और इधर से लिरिक्स को हटा देना। उसके बाद दोस्तों नोटपैड ऐप में आ जाना। आने के बाद यहाँ पर जो लिरिक्स है ये लिरिक्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से कॉपी करके नोटपैड ऐप में पेस्ट करके रख लेना और सेकंड जो लाइन है वो कॉपी कर लेना। उसके बाद फिर से हाइलाइट मोशन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर और कुछ भी छिड़कानी नहीं करना है, टिक ऑप्शन को टिक करना है और ये ग्रुप से बाहर हो जाना है। तो चेक कर लेना ग्रुप लेयर सही है कि नहीं। तो देख सकते हो ग्रुप लेयर सही है। तो ऐसा करके दोस्तों यहाँ पर आप लोग फोटो को चेंज कर लेना और लिरिक्स को भी चेंज कर लेना जैसे मैं दिखाया वैसे करके एकदम एंड तक। देखो ये जो बीट है ये बीट के हिसाब से करना है, तो ऐसे करके एकदम एंड तक कर लेना और ऐसे करना। कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों लास्ट सॉरी फास्ट में आना है। फास्ट में आने के बाद प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और यहाँ पर जो पिंजी बॉर्डर है देखो ये वाला पिंजी बॉर्डर को ऐड करना है, जो पिंजी बॉर्डर मैं हर वीडियो में यूज करता हूँ ये वाला पिंजी बॉर्डर को ऐड करना है ये वाला। तो पिंजी बॉर्डर को ऐड कर लेना। उसके बाद लास्ट बीट में आ जाना, लास्ट में आने के बाद जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। तो कुछ इस तरह यहाँ पर बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग स्टेटस को बन लेना और दोस्तों स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना है और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।